Hey guys, this is Ketan and you all are welcome to the Comfort Escape. So, आज मेरा हम्पी में दूसरा दिन है. I hope आप सभी को मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा. So, आज हम लोग विठला टेम्पल है वो कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे नॉर्थ हम्पी में जिसको हिप्पी आइलैंड भी कहा जाता है और वहाँ पे भी कुछ कुछ प्लेसेस हैं. मैं उसका भी आपको स्टोरीज बताऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको हम्पी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. तो रामायण के काल में हम्पी को किष्किंधा के नाम से जाना जाता था. किष्किंधा जो है वो राम के फ्रेंड सुग्रीव उनके किंगडम की कैपिटल सिटी थी. आज उसे विजयनगर भी बोला जाता है. हरिहर और बुक्का करके दो भाई थे, उन्होंने इस विजयनगर किंगडम की शुरुआत की थी. 14th और 15th सेंचुरी में किंग कृष्णदेव राया ने इस किंगडम को आगे बढ़ाया था और उनके ड्यूरेशन में ये जो किंगडम है ये बहुत ही रिच था. यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते थे व्यापार करने. यहाँ पे डायमंड और सोने की ट्रेडिंग होती थी और ये काफ़ी पावरफुल कंट्री भी था. मुगल्स ने इस किंगडम पे काफ़ी अटैक किए थे लेकिन इस किंगडम को हराना बहुत डिफ़िकल्ट था, इतना पावरफुल किंगडम था ये. चार मुगल सल्तनत थी, बीडर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा. ये चारों मुगल सल्तनत ने एक साथ होकर 16th सेंचुरी में विजयनगर पर अटैक किया और बहुत बुरी तरह से विजयनगर को हरा दिया. उसके बाद करीबन 6-7 महीने तक यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के मंदिरों को वो लोग लूटते रहे और जितने भी यहाँ पे टेंपल मॉन्यूमेंट्स थे उसको रुइन कर दिया. और वी आर वेरी लकी कि आज के टाइम पे भी उसके कुछ ना कुछ अवशेष हमें देखने मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक दुख भी होता है कि जो हमारा कल्चर रिच था, इतना पावरफुल था, वो आज कहीं ना कहीं रुइन हो गया है. तो मैं आ पहुँचा हूँ विजय विठल टेम्पल जो हम्पी के मेन टेम्पल में से माना जाता है. इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है विच इज़ सिमिलर टू विरूपक्ष टेम्पल जो द्रविड़ियन स्टाइल में था. एक यहाँ पे मेन गोपुरम आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक और मेन गोपुरम है और उसके आगे मेन टेम्पल है. ये टेम्पल 15th सेंचुरी में किंग देव राया ने बनाया था और ये टेम्पल मेनली विठल भगवान को डेडिकेटेड है जो कि फॉर्म ऑफ विष्णु है. कोणार्क में जो स्टोन चैरियट है उससे इंस्पायर होकर किंग देव राया ने यहाँ विठल टेम्पल में एक स्टोन चैरियट बनाया था. ये है वो स्टोन चैरियट और ये स्टोन चैरियट पूरे एक ही रॉक में से बनाया गया है. इसके जो व्हील्स है, ये व्हील्स एक ज़माने में मूवेबल हुआ करते थे, फंक्शन थे. फेस्टिवल के दौरान इस रथ को बाहर निकाला जाता था और पूरे हम्पी में इसे घुमाया जाता था. ड्यू टू सम मेंटेनेंस रीजन, सेफ्टी पर्पस, गवर्नमेंट ने अब इस चैरियट को बाहर निकालने से पाबंदी लगा दी है. तो ये जो स्टोन चैरियट है ये अपने आप में एक टेम्पल है. ये गरुड़ा जो विष्णु जी के वाहन है उनका ये टेम्पल है. तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं म्यूज़िकल पिलर हॉल. इसे म्यूज़िकल पिलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो पिलर्स है उसमें से उसे टैप करने से उसमें से साउंड निकलता था. सो बेसिकली जो मेन पिलर होता था उसके पिलर के आसपास 7 पिलर्स रखे गए हैं और वो 7 पिलर्स जो हमारे संगीत के सरगम है सारे गामा पाधानी उसे डेडिकेटेड किए गए हैं. इंग्लैंड ने जब अंग्रेज सरकार थी तो अंग्रेज सरकार ने इस राज को जानने के लिए यहाँ के जो 2 म्यूज़िकल पिलर थे वो तोड़ दिए थे, लेकिन उन्हें उसमें से कुछ नहीं मिला था.
सो इट्स स्टिल मिस्ट्री के वो जो साउंड है वो कहाँ से आता था, कैसे आता था, बनाने वाले की ही करामत है। 16th सेंचुरी में जब मुगल ने विजयनगर को हराया था, उसके बाद उन्होंने इस पूरे टेम्पल को लूट लिया था और पूरी तरह से इस टेम्पल को दबा कर दिया था। उनकी दबाई इस हद तक थी कि आज इस टेम्पल में जो विट्ठल का आइडल है वो भी मौजूद नहीं है और ये मंदिर पूरी तरह से रुइन हो चुका है, पूरी तरह से दबा हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं अभी अंजनाद्री हिल्स, जिसे अंजनी पर्वत भी बोला जाता है। बेसिकली ये हनुमान जी का जन्म स्थान है और करीबन 500 to 600 स्टेप्स है जो तुम्हें चढ़ने हैं और फिर ऊपर हनुमान जी का टेंपल है और इस टेंपल को मंकी टेंपल भी बोला जाता है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं आप पहुँचा हूँ अंजनेरी हिल में। ये यहाँ पे 500 to 600 स्टेप्स है, बहुत नॉर्मल स्टेप्स है, आप इजीली क्लाइंब कर सकते हो। और यहाँ ऊपर आ गया, आप मेरे पीछे व्यू देखोगे, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। और सामने जो बड़ा वाला आपको माउंटेन दिख रहा होगा, दैट इज मतंगा हिल, विच इज दी हाइएस्ट हिल इन हम्पी। अंजनेरी हिल भी वन ऑफ दी हाइएस्ट हिल है हम्पी में। तो यहाँ से आप मोस्टली अनिकुंदी एरिया, हिप्पी एरिया और बिट ऑफ हम्पी एरिया का व्यू आप ले सकते हो। अगर आप मतंगा हिल जाते हो तो वहाँ से आपको पूरा हम्पी का व्यू मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। तो अंजनाद्री हिल के बाद हम लोग ने थोड़ा चिल आउट किया था, लंच किया था, काफ़ी थक गए थे लोग, तो थोड़ा बहुत लंच करके रिलैक्स हो गए। हम लोग अभी आप पहुँचे सनापुर लेक में। सनापुर लेक अंजनाद्री हिल से करीबन 10 to 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है।
और यहाँ पे अगर आप आते हो तो ये कोरेकल बोट राइड मिस बिल्कुल मत करना है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे जो भैया है ना आपको 20-40 बोलेंगे, टच मत करना, ये लोग 150-200 रुपए लेते हैं। ये है वो भैया, याद रखिए। तो हम लोग जब कॉरिकल बोट राइड कर रहे थे तो बोट वाले ने बोट वाले भैया ने बताया कि यहीं पास में एक वाटरफॉल है और काफ़ी बढ़िया है। हम लोग के पास अभी वाटरफॉल की तरफ ही जा रहे हैं, तो हमारे पास कुछ वक्त भी है, सनसेट का टाइम भी है, तो हम लोग वही वाटरफॉल इंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल में ये सानापुर लेक से करीबन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप डेफिनेटली यहाँ पे आके कुछ पल जो है इंजॉय कर सकते हैं और सनसेट का भी मज़ा ले सकते हैं। गाइज दिस वॉज अवर सेकेंड डे इन हम्पी। हम लोग ने मोस्टली नॉर्थ हम्पी में आज पूरा दिन घूमा है, जिसको हिप्पी आइलैंड कहा जाता है। हिप्पी आइलैंड का एक अपना अलग ही फ्लेवर है, पूरा नेचुरल फ्लेवर है। अगर आप साउथ हम्पी में जाओगे तो आपको एंशियंट कल्चर का फ्लेवर मिलेगा, बट हिप्पी आइलैंड जो कि नॉर्थ हम्पी है वहाँ पर आपको पूरा नेचर का जो एक्सपीरियंस है, पूरा फ्लेवर है वो मिलेगा। हम लोग ने कॉरिकल राइड की और सरप्राइजिंगली हमें एक वाटरफॉल भी देखने मिल गया और यही हम लोग अभी बैठे हैं सारे वाटरफॉल पे, सनसेट का मज़ा ले रहे हैं। कल मेरा हिप्पी में तीसरा दिन है और आखिरी दिन है, तो मैं और भी प्लेसेस कवर करूँगा, उसकी स्टोरीज आपको बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा हम्पी का तीसरा दिन है। So till then guys, be happy, be awesome and always keep smiling.